जिला प्रशासन की जागरूकता का प्रभाव, कोरोना टीका लगवाने से वंचित ग्रामीण। रतलाम एक और कुछ समय पहले नगर परिषद, नगर पालिका तथा नगर निगम शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए दिन रात एक कर आम जनों को कोरोना टीका लगवाने हेतु जागरूक कर रहे थे। तो ठीक इसके विपरीत दूसरी ओर कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी है जहां आज तक कोरोना टीकाकरण कैंप ही नहीं लग पाए हैं, जिसके चलते यहां के ग्रामवासी वैक्सीनेशन से वंचित है। इसी क्रम में बराखेड़ा ग्राम के जागरूक ग्रामवासियों ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अतुल गोड के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय पिपलोदा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर बराखेड़ा, सरसाना, रियावन, रानीगांव, बछोड़िया जैसे लगभग 25 कोरोना टीकाकरण कैंप से वंचित गांवों में कोवैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डायोगेंद्र सिंह गामर को सूचनार्थ आवेदन दिया और मांग की कि शासन की इस लाभकारी योजना का लाभ दूर दराज के मजदूर ग्रामीण जनों को भी मिल सके। इस हेतु आप उच्च अधिकारियों तक हमारी इस मांग को रखकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीन कैंप लगाया जाए। श्री गोर ने बताया कि इस सूचनार्थ आवेदन का उद्देश्य मात्र यह है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना प्रशासन को आगाह करने के उद्देश्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार दोनों ही बड़ी चिंतित है और निश्चित तौर पर हर वर्ग और समाज के अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन का लाभ पहुंचना चाहिए। इस महामारी में सभी वर्ग को वैक्सीनेशन को लेकर जब जागरूक करने का उद्देश्य आया तो सबने जागरूकता को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी पहल हुई और वही कारण रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर आज दिनांक तक बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिन गाँव में वैक्सीन का डोज किसी व्यक्ति को नहीं लगा है, न ही कैंप लगा है। ऐसे चयनित गांव को लेकर प्रशासन को आगाह करने के उद्देश्य को लेकर सभी हम पहुंचे थे और उनसे आग्रह किया था कि जो वंचित गांव है उन वंचित गांवों में वैक्सीन कैंप लगाया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उस वैक्सीन का लाभ ले सके और महामारी की जंग को लड़ सके। नहीं, शासन स्तर पर कर्मचारियों को लेकर भी अलग अलग कैंप लगाए गए थे और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको लेकर भी अलग अलग कैंप लगाए गए थे। पर सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो है निश्चित तौर पर बेचारे वो लोग, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका नगरी क्षेत्र को लेकर तो 100% वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें 100% एक को भी वैक्सीन नहीं लगी है। ये हमारे लिए एक दुविधा की बात है, शर्म की बात।